आज देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं ना, देखो कॉनकेव कॉनकेव और कॉनकेव मिरर में क्या होता था, मिरर की बात कर रहा हूँ। मिरर में हम लोगों ने पहले रूल्स देखे थे ना कि जब कोई लाइट रे पैरेलल होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस जो हो जाएगी तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। और उन्हीं रूल्स को पहले हम लोगों ने सीखा था, और उन्हीं रूल्स की मदद से बाद में हम क्या बनाने लगे थे, इमेज बनाने लगे थे। आज क्या सीखेंगे, आज वही रूल्स सीखेंगे हम, लेकिन किसके अंदर सीखेंगे, लेंसेज के अंदर सीखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग पढ़ो, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ओके। मतलब कि ऐसे यू मतलब रूल सीखेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, रे डायग्राम क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि हम इमेज को फॉर्म कर सकें। ठीक है, इमेज फॉर्म करने के लिए रे डायग्राम बनाना पड़ता है ना। वह दो से ज़्यादा इमेजेस जब क्या करती हैं, जब कन्वर्ज करती हैं, तो उसी पॉइंट पे तो बनती है इमेज। ठीक है, लेक्चर बहुत ज़रूरी है, देखना इसे। ठीक है, देखो देखो, आप तुम्हारा सबसे पहला रूल कहता है, हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल हमारा बेटा कहता है, देखो फर्स्ट रूल हमारा कहता है, देखो फर्स्ट रूल, देखो देखो, ये रूल्स कुछ नहीं है, ये रूल्स कुछ नहीं है। जैसे हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में हमने जो रूल्स पढ़े थे ना, सेम वही रूल्स हैं। बस इसमें देखो, इसमें पता है चेंजिंग क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आ गया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f आ गया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो देखो, पहला रूल कहता है कि वेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट 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 कम्स फ्रॉम है यार, पहले लाइट रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी 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 फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन दीज आर रिफ्रैक्टेड थ्रू रिफ्रैक्टेड थ्रू F2 F2 ओके, दोनों के लिए। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, देखो बताऊँ तो, देखो ये हमारा बेटा कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स, एंड ये कॉन्वेक्स। ओके, अब देखो ये हमारा सेम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ना बहुत दूर रखा है ना, बहुत दूर, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन ऐसा ही होता है, बहुत दूर अगर रखा है तो वहाँ से लाइटेस कैसी आती है। देखो बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम ये मानते हैं कि लाइटेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। तो वहाँ से बेटा जब लाइट रेस आती है ना, देखो ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये F2 होता है, ये 2F2 होता है। ठीक है, तो लाइट रेस कैसे आती है, इसमें भी बता दूँ, F1 2F1 F2 एंड 2F2। ओके ओके,
तो बेटा लाइट रेज कैसी आती हैं, जब भी पैरेलल लाइट रेज जाती है, जब भी पैरेलल लाइट रेज आती है ना, पैरेलल मतलब किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल लाइट रेज, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना, पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल होगी, बताओ लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कैसे रिफ्रैक्ट करती है, वो किसके थ्रू रिफ्रैक्ट करती है, एफ टू के थ्रू। तो वो ऐसे करके, ऐसे लाइट रेज आई, कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, इसके थ्रू, ऐसे, ओके। एक लाइट रे और मान लो यहाँ से ऐसे करके, ऐसे, ओके। अब देखो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो इसने कन्वर्ज कर दिया कि नहीं। और देखो क्या था, और देखो हमने जो केसेस पढ़े थे, केसेस किसके पढ़े थे, रिफ्रैक्शन के, वो उसके जब कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर्स में हम देखते थे तो क्या होता था, पैरेलल लाइट रे अगर आ रही है दूर से तो वो कहाँ से होकर जाती थी, वो रिफ्लेक्ट करती थी, कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट करती थी, फोकस पॉइंट से ही तो करती थी रिफ्लेक्ट, है ना, फोकस पॉइंट से ही तो करती थी, बताइए समझे, है ना। अच्छा ऐसी इसमें क्या होगा, जब भी लाइट रेस इन्फिनिटी से आएंगी तो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी ना, तो ये एक लाइट रे, ये रही बेटा आपकी पैरेलल, ये लाइट एक पैरेलल, एक ये लाइट पैरेलल। अब ये क्या करता है, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देता है, ये अब ये कुछ ऐसा डाइवर्ज करेगा, ये कुछ ऐसा डाइवर्ज करेगा। अब देखो जब भी पैरेलल रेज होती हैं तो फोकस से होकर ही या तो उनका रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो अब क्योंकि इसने डाइवर्ज कर दिया ना, अब डाइवर्ज आके अब ये रेस पता है कैसी लग रही होंगी, ये रेस पता है कैसी लग रही होंगी, ये रेस ऐसे लग रही होंगी मानो जैसे ये रेस फोकस से होकर जा रही है। तो अब अगर मैंने एक्सटेंड करूँ ना पीछे की तरफ, तो ये अगर मैंने पीछे एक्सटेंड करूँ ना, तो ऐसा लगेगा मानो जैसे फोकस से होकर जा रही हूँ। थोड़ा डायग्राम गलत बन गया बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगेगा ऐसे करके, ये एक्सटेंडेड है, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया बट कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो ये देखो जब, अब देखो एक तरह से क्या है, जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो कहाँ से होकर जाती है, रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर होता है, फोकस से होकर, ठीक है। देखो हम उसमें क्या करते थे, उसमें ऐसे तो करते थे, देखो ये मिरर हुआ करता था, फोकस हुआ करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, जब भी पहले लाइट रेज आती थी, अभी कन्वर्जिंग था ना, बताओ ये कन्वर्जिंग ही था, ये कन्वर्ज ही तो कर देता था, तो इसकी रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन होता था वो कहाँ से होकर जाता था, फोकस से होकर, ऐसे करके, है ना, इसका रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाता था और इसका रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाता है। अरे ये भी तो इसका फोकस ही है, ये भी इसका फोकस है, ये भी इसका फोकस है, बताए सर, बता रही सर। और इसके लिए देखो, इसके लिए इसमें कैसे होता था, इसमें क्या होता था, ये एफ एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब पहले लाइट रेस आती थी तो क्या कर देता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, और ये लाइट रेस जब पैरेलल होती है तो कहाँ से होकर, हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेस कैसे जा रही होंगी, फोकस से होकर जा रही होंगी, ठीक है, तो इन्हें एक्सटेंड कर देते तो देखो ये फोकस से होकर ही तो मिलती थी। देखो बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो अगर आपको कॉनकेव मिरर का जो भी बात है, कॉनकेव मिरर की जितनी भी बातें हैं, एज इट इज वो बातें सेम रहेंगी किसके लिए, कॉनवेक्स, ध्यान देना, कॉनवेक्स लेंस के लिए, कॉनवेक्स लेंस के लिए। और हमने जो कॉनवेक्स मिरर के लिए जितनी भी बातें पढ़ी थी, वही बातें एज इट इज होंगी किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। बता रही सर मैं, आ रही बेटा बात सुन ले, चलिए, दीज आर रिफ्रैक्टेड थ्रू। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रेज तो हैं, रिफ्रैक्टेड रेज ही होती हैं,
फोकस के थ्रू होकर जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे होकर जाती थी, इसमें रिफ्रैक्टेड रे होकर जाती है ना। मैं कहता रहा हूँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फ़र्क है बस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट केस है बेटा हमारा, व्हेन अ लाइट रेज पासेस थ्रू द पासेस थ्रू द एफ वन देन दीज आर रिफ्रैक्टेड टू द रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल अरे यार टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो देखो जब लाइट पैरेलल हो तो रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा, फोकस के थ्रू होगा, और जब लाइट रे फोकस से पास कर रही हो तो लाइट रे किसके पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसमें कोई इनमें कोई नई बात है बताओ, कोई नई बात तो है नहीं, नई बात सीख रहे हो तुम। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एक डायग्राम एंड देखिए एफ वन एंड टू एफ वन एफ टू टू एफ टू। ओके, एफ वन एफ वन टू एफ टू टू एफ टू। अब देखो उसमें क्या होगा, जब लाइट जब कोई लाइट रे कैसे जा रही हो, देखो लाइट रे तो हमेशा किससे आएंगी, लाइट रे तो हमेशा बेटा ऑब्जेक्ट से ही आती हैं, बताओ ऑब्जेक्ट से ही तो आती हैं, ऑब्जेक्ट से ही तो आती हैं। तो जब लाइट रे फोकस से, देखो ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, दोनों फोकस है इसके। ठीक है, ये भी ये दोनों ही फोकस है। तो जब फोकस से होकर जाती है लाइट रे तो कैसे हो जाती है, ये लाइट रे में गई फोकस से होकर गई तो कैसे हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी ऐसे करके, पैरेलल बताइए समझ में, ऐसे आ रही थी रिफ्रैक्ट कर गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। ये देखो मतलब लाइट रे पासिस थ्रू एफ वन इससे होकर जाएगी जो कि एक फोकस है, इससे ऊपर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्रैक्ट होगा इसका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्रैक्ट होगा इसका, देन दीज आर रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी इसमें देखो, इसमें अगर जा रही हो ऐसे करके तो देखो ये जा रही, तो अब ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी बताओ, ये भी पैरेलल ही हो जाएगी, बताओ पैरेलल होगी नहीं होगी। सॉरी बेटा, इस लाइटर को मैं ऐसे नहीं डालूंगा, ऐसे नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैं इस लाइटर को ऐसे डालूंगा ना तो फिनोमेना गलत हो जाएगा, फिनोमेना गलत कैसे कैसे होगा, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसका मतलब पता क्या होगा कि इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया, जबकि ये कन्वर्ज नहीं करता है। ठीक है, तो इस लाइट को मैं कुछ ऐसे डालूंगा, देखो ये लाइट नहीं है, ठीक है, इस लाइट को मैं कुछ ऐसे डालूंगा मानो जैसे इस फोकस से होकर जा रही हो, इस फोकस से होकर जा रही हो, तो मैंने कैसे डाला कि मानो जैसे ये ऐसे ऐसे डाला, है ना, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे पैरेलल आ जाएगी इसके, इसके पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो
अब ये लाइट रे जब जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, फोकस से ऊपर जा तो नहीं रही है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस से ऊपर जा रही है। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो देखो ये फोकस से ऊपर जा रही है ना, और फोकस से ऊपर जब भी कोई लाइट आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बताओ सही है कि नहीं। जैसे उन मिरर्स में होता था, उन मिरर्स में होता था। देखो इसके लिए पहले मैं इस वाले मिरर को बनाऊंगा एफ सी। देखो जब लाइट रे फोकस से ऊपर जाती थी ऐसे करके, तो ऐसे करके तो पैरेलल जाती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ही इसमें देखो फोकस से होकर गई और पैरेलल चली गई, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ऐसे ही तो होता था। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होता था, ऐसे ही तो होता था एफ एन सी। अब इसके लिए हम लाइट कैसे बनाते थे कि मानो जैसे ये फोकस से होकर जा रही हो, है ना, ऐसे इसमें हमने बनाई मानो जैसे फोकस से होकर जा रही हो, ठीक है, मान लीजिए फोकस से ऊपर जा रही हो तो रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता, तो रिफ्लेक्शन इसका कैसे होता था, पैरेलल, ऐसे इसका पैरेलल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा इनमें, कुछ नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बात, तीसरा कौन सा केस है, तीसरा कौन सा केस है, when a light rays passes through O, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, देन दीज आर दीज आर रिफ्रैक्टेड विदाउट विदाउट बेंडिंग इन एनी वे। बात समझे, यानी कि जब कोई लाइट रे फोकस इससे जा रही हो ना, इस ओ से, इसी को कहते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर, इस सेंटर से होकर जब कोई लाइट रे जाती है ना, चाहे वो ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, लेकिन इससे होकर अगर गुजर रही है तो लाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ बेंडिंग वेंडिंग नहीं होती लाइट की, जैसे आ रही है वैसे निकल जाती है, जैसे आ रही है वैसे निकल जाती है। कैसे देखो, कैसे देखो, ऐसे ये एंड एक ये, ओके, ये ओ सेंटर फोकस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, चलो बना देता हूँ, मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर, मतलब ओ से ऊपर जा रही हो, तो ऐसे कोई चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, है ना, रिफ्रैक्टेड मुझे एक्चुअल में यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है। वैसे चलो यार ठीक भी है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर हमने आगे लिख तो दिया विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग, यार वैसे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, दीज आर इमर्ज, दीज आर इमर्ज, दीज आर इमर्ज विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग या फिर विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, ऐसा होता है,
और ऐसा ही इसमें होता है, ऐसा ही इसमें होता है। ऐसा एक केस उसमें भी तो था, ऐसा एक केस उसमें भी तो था जब लाइट रे सी से होकर जा रही हो। चलो छोड़ो, बार बार क्या बताऊँ, ठीक है ओके। तो बेटा ये थे हमारे कुछ रूल्स, क्या थे ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, देख लेना आपने ठीक से, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको इसमें। ओके, और यार तुम लाइक नहीं करते हो वीडियो, ना लाइक करो बस वैसे ही देख के चले जाते हो। अरे देखा करो, लाइक भी तो किया करो, और अब तो बच्चे देख भी नहीं रहे। अरे पढ़ना नहीं है देख के तुम्हें, बताओ पढ़ना नहीं है क्या? चलो थैंक यू।